नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, बड़ी खबर निकल कर आ रही है सागर संभाग के दमोह जिले से। लगातार जो है गोली चालन की घटनाएं घट रही हैं सागर संभाग में, और अब दमोह जिले से ये मामला सामने आया है जहां पर चचेरे भाई ने गोली मार दी है। घर के सामने कचरा डालने को लेकर हुआ विवाद इतना खतरनाक रूप ले लिया कि कहां सुनी के बाद फायर कर दिया गया और अस्पताल में वृद्ध को भर्ती कराया गया है। हम आपको बता दें कि पूरा मामला जिले के हिंडोरिया थाना की बिलाई चौकी क्षेत्र में बुधवार को चचेरे भाइयों में विवाद हो गया और विवाद इतना बड़ा कि एक ने दूसरे भाई को गोली मार दी। इससे 62 वर्षीय चचेरा भाई घायल हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। हम आपको बता दें कि मोतीलाल 62 वर्ष, पिता नन्नू पटेल निवासी बिलाई और गजराज पटेल दोनों चचेरे भाई हैं। बुधवार को घर के सामने कचरा देखकर गजराज पटेल ने गाली गलौज शुरू कर दी और गजराज ने राजा राम से कहा सुनी की, तभी मोती पटेल मौके पर पहुंचा, गाली देने से मना करते हुए गजराज को समझाइश भी दी। इसी दौरान गजराज ने बंदूक निकाली और मोती पटेल पर फायर कर दिया। गोली मोतीलाल के कंधे और पेट पर लगी है, इससे वह गंभीर घायल हो गया है। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। सूचना पर बिलाई चौकी और हिंडोरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल मोतीलाल को अस्पताल पहुंचाया गया जहां हालत नाजुक होने पर प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल दमोह रेफर कर दिया गया था, जहाँ से जबलपुर रेफर करने की खबर आई है। हिंडोरिया थाना प्रभारी संदीप चौधरी ने बताया है कि चचेरे भाइयों के बीच विवाद हुआ था और विवाद में गजराज ने मोतीलाल को गोली मार दी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन अब जबलपुर रेफर किया गया है। वहीं आरोपी मौके से फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। लेकिन दुखद है, ये सब घटनाएं जो है पूरे सागर संभाग में घट रही है। लगातार गोली चालन की मामले बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और ग्राफ जो है लॉकडाउन खुलने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये पूरा जो है 2 साल का गैप है, अपराधी 1 महीने में ही पूरा भरना चाहते हैं।